तुम अभी नाराज हो नादिया, इस वक्त आया हूं ना तुम्हारे साथ, फिर भी मेरे 10 बार कहने पर आए, खुद से तो ख्याल आता नहीं है तुम्हें। लगता है शादी वाले दिन भी जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन भी मसरूफ होंगे ना तुम। फिर कर दी ना वही बात जिसका मुझे डर था। पहले तो बड़ा कहती तुम्हारी मजबूरियों को, तुम्हारी मसरूफियात को मैं समझती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, तो अब क्या हुआ है? हाँ कहा था मैंने ये सब, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलसल इग्नोर होती रहूं। फिर कर दी ना बेवकूफ वाली बात, पहले भी कह चुका हूँ दिस इज ऑल मीनिंगलेस। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, हमारी शादी होने जा रही है, इतना काफी नहीं है? मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती हूँ, मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ तुमसे। क्या तुम नहीं करते? नादिया तुम्हें ये बात बहुत बुरी लगेगी, मगर ये मोहब्बत मोहब्बत ये सब फजूल बातें हैं। कोई एक शख्स इतना अहम कैसे हो सकता है कि वो अपना आप भूल जाए? बहस नहीं करूंगी तुमसे, इंतजार करूंगी कि तुम्हें भी मोहब्बत हो, फिर पूछूंगी।